अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अग्रवाल कॉलोनी में श्री रामचंद्र कला केंद्र क्लब की ओर से करवाई जा रही रामलीला का मंचन किया गया। रामलीला की दूसरी नाइट का उद्घाटन अकाली नेता सुधीर बांसल ने किया। इस दौरान ज्योति प्रज्वलित संजीवनी अस्पताल से सुनील गर्ग ने अदा की। इस मौके पर सुधीर बांसल ने कहा कि हमें श्री राम के दिखाए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। बहुत बढ़िया है, इसलिए सोलह सारा साल हो लगातार काम कला केंद्र क्लब रामलीला का कार्य है। मेरी मैनेजमेंट भी बहुत मेहनती है, पूरी कोशिश हुई है मेरी कि बच्चे को भी सीन देते हैं। मैं तीन साल से लगातार रामलीला बहुत ही कला केंद्र क्लब अग्रवाल कॉलोनी बठिंडा वालों हर साल की तरह इस साल भी श्री रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जो कि पिछले 15-16 सालों को लगातार हो जारी रहा। श्री रामचंद्र कला केंद्र क्लब बहुत ही श्रद्धा पूर्वक श्री रामलीला का आयोजन करता है। इस विच किसी किस्म का भी नशा बीड़ी सिगरेट आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो भी कलाकार है बिल्कुल पवित्रता नाल रोल निभाते हैं। असी उन्होंने सारे सहयोगी सज्जनों का तह दिलों धन्यवाद करते हाँ, जिन्हों के सहयोग न श्री रामलीला में पूर्ण सहयोग मिलता है। अच्छा जी, किन्ने टाइम तो तुम कन्वर जी रामलीला कर रामलीला का साथ हो गई है, शायद 11वां साल है जिस कर रही है। मैं 10 साल हो गए। तो किन्ने का टाइम लगता थानू तैयारियां करन च रामलीला? वैसे तो सारी तैयारी 1.5 महीने तो स्टार्ट हो जाती होनी है, लेकिन इस बार अभी कन्फर्म नहीं सी कि रामलीला करांगे। इस बार सानू सिर्फ 2 ही दिन मिले सी, सारे जितने भी कलाकार बच्चे ने छोटे जितने भी कलाकार है सी, सानू इस बार 2 ही दिन मिले सी रिहर्सल वास्ते। उत जात नहीं मिली क्योंकि सारे डायरेक्टर साहब कहते, सारे प्रोड्यूसर साहब कहते विक्की शिवान भी कहते करनी है, तो मैं कहते गलत नहीं कर रहे। मेरा नाम है जगदीप सिंह। सब तो पहला अपने मेरे सारे जय श्रीकाल। जगदीप जी, कहदा रोल कर रहे हो तुसी? मैं इस वे नशा जी की भूमिका निभा रहे हैं। इस साल असी बड़ी मेहनत तैयारी की है, क्योंकि इस करके कि साढ़े क्लब में पहले कोई दिक्कत आ रही, साढ़े को टाइम है नहीं, असी 2 दिन ही यह सारी तैयारी की है। तो यह प्रभु राम जी की कृपा है कि यह जो कि उन्होंने कृपा नाल ही यह 2 दिनों स्टे लगी है, तो सानू बहुत ही सफलता मिल रही है। इस करके सारे ही भैन भरावों को जय श्री राम, सारे ही अपने बच्चों रामायण दिखाओ ताकि वह आने वाले समय में जान सकन किस तरह शरवण ने अपने माता पिता की सेवा की, किस तरह श्री रामचंद्र जी के अपने पिता के वचन के खाते मना विच गए ते उन्होंने वचन की लाज रखी। बोलो जय श्री राम। कैमरामैन कुलविंदर सिंह के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।